एवरीवन, मैं हूँ रागिनी पांडे और आप सबका मैं अपने चैनल पे बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये है आफ्टर डिलीवरी, अगर आपका वेट गेन हो रहा है या आपका पेट निकल रहा है। ये दो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लेडीज़ को फेस करनी पड़ती है, या तो उनका वेट गेन बहुत फास्ट होता है या तो उनका पेट बहुत ज़्यादा निकल जाता है। तो आज मैं आपको 10 ऐसे टिप्स बताऊँगी जो अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका वेट गेन भी बहुत हद तक कम होगा और आपका पेट भी नहीं निकलेगा। तो ये जो 10 टिप्स हैं ना, ये फटाफट वाले हैं जो आप डेली कर सकते हैं। ये कोई नहीं बोल सकता कि हम ये नहीं कर सकते, बहुत ही नॉर्मल से बहुत ही बेसिक, जिसे आप रोज़ फॉलो कर सकते हैं अपनी लाइफ में। चाहे आपकी लाइफ फिर बिजी शेड्यूल हो या नॉर्मल शेड्यूल हो, आप अपने लिए इतना तो कर ही सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। आप मेरे चैनल पर अगर नए आए हैं, पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो इसके नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, उसे प्रेस करके बाजू में बेल बटन ज़रूर प्रेस करें, ताकि मैं जो भी ब्यूटी, प्रेगनेंसी या बेबी केयर से रिलेटेड वीडियोस डालूं अपने चैनल पे, उसकी नोटिफिकेशन आपको और आप मेरी वीडियो को बहुत ही आसानी से देख सकें। पहला टिप्स जो है वो ये है, गर्म पानी पीना। अगर आपकी डिलीवरी हुई है, आप अभी अभी नई माँ बनी है, तो सबसे पहले जो हमें बेसिक सी चीज़ करनी है जो हमारा वेट गेन होने से रोकती है, हमारा पेट निकलने से रोकती है, वो यही होता है कि गर्म पानी पीना। अगर आप गर्म पानी डेली पीते हैं, जब तक आप पी सकते हैं, फिर चाहे कोई भी महीना हो, तो आपका वेट गेन भी नहीं होता है, आपका पेट भी नहीं निकलता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी सही रहता है। तो अगर आपको वेट लॉस करना है या पेट आपको नहीं निकालना है, तो जब आपकी डिलीवरी हो, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि एटलीस्ट 2 मंथ तक तो आपको गर्म पानी ही पीना है, और पानी बहुत कम पीना है, बहुत ज़्यादा आपको पानी नहीं पीना है। और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको राइस नहीं खाना है। अगर आपकी डिलीवरी हुई है तो आप राइस, एटलीस्ट खिचड़ी वाली राइस आप खा सकते हैं, क्योंकि खिचड़ी बहुत पतली होती है, उसे डाइजेस्ट करना बहुत आसान होता है, तो आप खिचड़ी वाली राइस खा सकते हैं। पर आप 2 महीने तक एटलीस्ट गर्म पानी पिए और चावल ना खाएं। अगर आप ये 2 चीज़ फॉलो करते हैं तो आपका वेट गेन बहुत कम होगा या नहीं होगा, और आपका पेट तो डेफिनेटली नहीं निकलेगा। तो जो सेकेंड पॉइंट है वो ये है कि पतला खाना खाएं। आप जो भी खाना खा रहे हैं, चाहे रोटी सब्जी हो गई, चाहे खिचड़ी हो गई, चाहे दाल चावल हो गया, चाहे फ्रूट्स ही क्यों ना हो गए, तो आप कोशिश करिए कि एटलीस्ट 1 मंथ तक इन सभी को आप लिक्विड फॉर्म में लीजिए। मतलब आप इन सब का लिक्विड ज़्यादा लेने की कोशिश करिए। अगर आप दाल खा रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि बहुत गाढ़ा दाल ना खाएं, पतला दाल खाएं, बहुत ही पतला दाल खाएं, हींग डाल करके खाएं, हींग ज़रूर खाएं। और हींग के साथ में फिर आप खिचड़ी ले रहे हैं तो आप मोटी खिचड़ी या बिरयानी मत खाने लग जाएँ, पुलाव मत खाने लग जाएँ, खिचड़ी लीजिए, पतली खिचड़ी लीजिए, जिसमें दाल का यूज़ ज़्यादा करिए और आप चावल का यूज़ कम करें। इससे 2 चीज़ होगी, आप जितना ज़्यादा दाल पियेंगे, अगर आप न्यू मॉम बने हैं तो आपको फीडिंग करने में भी बहुत आसानी होगी, आपको दूध जो इंक्रीज होगा, आपको दूध ज़्यादा आएगा, तो आप अपने बच्चे को अपना फीडिंग करवा पाएंगे। थर्ड पॉइंट है वो ये है कि वॉकिंग करें। वॉकिंग करें तो इसका मतलब यही नहीं है कि आप घर से बाहर जाएं। मुझे बोलते हैं, मैम पॉसिबल नहीं है वॉकिंग करना, हम बाहर नहीं जा पाते, हम ये नहीं कर पाते, हम वो नहीं कर पाते, ये सब सिर्फ बहाने हैं। आप वॉकिंग अपने घर में भी कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं, मतलब आप अपना काम खुद से करिए। ज़रूरी नहीं कि आपको फास्ट फास्ट रनिंग करनी है या वॉकिंग करना है, बहुत स्पीड में चलना है, बिल्कुल नहीं। आप अपना काम खुद से करिए, जो भी आपके काम है, सीजेरियन हुआ हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हुई हो, आप अपने थोड़े बहुत हल्के फुल्के काम खुद से करिए। कोशिश करिए कि आपका घर चाहे कितना भी बड़ा हो, अपने घर में ही एटलीस्ट आधे आधे घंटे पर, एक एक घंटे पर आप थोड़ा थोड़ा वॉकिंग करते रहिए, चलते रहिए, कंटिन्यू 5-6 राउंड मारते रहिए, इसे भी वॉकिंग ही कहा जाएगा। और इसके साथ में अगर हो सके तो घर का काम आप एक्टिव रहिए। एक्टिव रहिए का मतलब ये है कि आप एक बिस्तर पे ना पड़े रहें, बहुत ज़्यादा हैवी काम आपको बिल्कुल नहीं करना है, पर एटलीस्ट चलते रहिए। अगर आप बेड पे सिर्फ पड़े रहेंगे तो आपका वेट गेन भी होगा, आपका पेट भी निकलेगा, तो थोड़े एक्टिव रहिए। घर का काम आपको नहीं करना है 1.25 महीने तक, बहुत ज़्यादा 1 महीने तक घर का काम आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना है, लेकिन हल्के फुल्के काम आप कर सकते हैं, तो एक्टिव रहिए और वॉकिंग करिए। तो जो 4th पॉइंट है वो ये है, अपने पेट को, जब आपकी डिलीवरी होती है तो चाहे सीजेरियन हो चाहे फिर नॉर्मल डिलीवरी हो, आपको आपके पेट को बांध के रखना है। आप इसके लिए बेल्ट का यूज़ कर सकते हैं, दुपट्टे का यूज़ कर सकते हैं या साड़ी का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपने पेट को 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक कंटिन्यू बांध के रखते हैं तो आपका पेट नहीं निकलेगा, आपका पेट काफ़ी हद तक अंदर रहेगा। और अगर आपके सीजेरियन हुई है तो कोशिश करिए बेल्ट लगाने की, और अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो आप साड़ी से बांधिए, दुपट्टा यहाँ पे काम नहीं करेगा, आप साड़ी या बेल्ट का यूज़ कर सकते हैं। पेट को बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बांधना है सीजेरियन के बाद, इसलिए आप बेल्ट का यूज़ करें। और अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तब तो सोने पे सुहागा है, आप अपने पेट को टाइट बांध करके रखिए। लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि बेल्ट आपको कब लगाना है। सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि बेल्ट हमें कब लगाना है या साड़ी हमें कब बांधनी है। आपको जब आप मॉर्निंग में उठे, आपका जब मालिश होता है या मसाज नहीं भी हो रहा है,
तो मॉर्निंग में जब आप खाली पेट रहे तब अपने खाली पेट रहे मतलब जब आपने सिर्फ हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट किया है तब आप अपने पेट को 2 घंटे तक बांध के रखें। दिन भर आपको नहीं बांधना है, मॉर्निंग में सिर्फ 2 घंटे तक बांध के रखें और उसके बाद खाना खाते टाइम पेट को नहीं बांधना है। जब आप खाना खाने जाए तो अपने पेट को ढीला छोड़ दें, खोल दें उसे, आप बांध कर बिल्कुल ना रखें। और ये चीज़ आपको दिन में सिर्फ 2 घंटे करनी है, 2 घंटे तक आप कंटिन्यू 2 महीने तक अपने पेट को बांध के रखें या बेल्ट लगा के रखें, आपका पेट नहीं निकलेगा। तो ये जो थी ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी के बाद आपको पेट बांधना ही है, बेल्ट लगाना ही है, चाहे सीजेरियन हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो। तो चलिए अगला पॉइंट ले लेते हैं। तो अगर आपकी डिलीवरी हुई है तो आपको पानी वाला काम ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। अगर आप पानी वाला काम ज़्यादा करते हैं, पानी में ज़्यादा रहते हैं, तो आपको स्वेलिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी बॉडी में सूजन आ सकती है। देखिए 2 पॉइंट होता है, एक होता है स्वेलिंग और एक होता है मोटापा। तो यहाँ पे अगर आप डिलीवरी के बाद पानी में रहते हैं तो आपको मोटापा नहीं होता है, आपको स्वेलिंग होती है, सूजन आता है, आपकी बॉडी फूक जाती है, हेल्दी नहीं होती है, वो फूक जाती है। और ये बॉडी जो होती है ना ये बहुत बेकार होती है। हमें एक बार हमें मोटापा रहे तो हम उसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर बॉडी में एक बार सूजन आ गया ना तो इसे ठीक करना इम्पॉसिबल है। तो कोशिश करिए कि पानी वाला काम ज़्यादा ना करिए। अगर आपके घर में कोई आपको हेल्प करने के लिए नहीं है, बर्तन धोने हैं, कपड़े धोने हैं या बेबी का भी केयर आपको खुद करना है, तो ये सब चीज़ के लिए कोशिश करिए कि स्लीपर पहन लीजिए, पैर में चप्पल पहन लीजिए, उसके बाद आप काम करिए। और अगर आपकी हेल्प करने के लिए कोई है तो एटलीस्ट 1 मंथ तक तो पानी का काम मत करिए, पैर को पानी में मत डालिए, ठंडे पानी से मत नहाइए, ठंडा पानी मत पिए, ये सब चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए तो आपको स्वेलिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी और इसके साथ आपको कोल्ड की प्रॉब्लम नहीं होगी और आपके बेबी को भी नहीं होगी। तो ये मैंने अपनी पहली वाली इसके पहले जो वीडियो मैंने पोस्ट की है उस पर मैंने आपको ये चीज़ डिटेल में बताई है। पानी वाला काम आप अगर कम करते हैं, पानी में कम जाते हैं, तो आपकी बॉडी में सूजन नहीं आएगी, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इसके बाद का जो पॉइंट है वो ये है हेल्दी डाइट लीजिए। हेल्दी डाइट में क्या आता है, हेल्दी डाइट में आता है घर की बनी हुई चीज़ खाइए, तेल वाली चीज़ कम खाइए, बाहर का खाना नहीं खाना है, बाहर का खाना कुछ भी हो आपको नहीं खाना है, बाहर का इवन फ्रूट जूस भी आपको नहीं लेना है, घर पे बना फ्रूट जूस लेना है। इसके साथ में आपको जो भी खाना है पतला खाना खाना है, इसके साथ में आपको घी खाना है, घी अपने डाइट में दिन में 3 चम्मच, इससे ज़्यादा घी नहीं लेना है। अगर आप बहुत ज़्यादा भी घी लेंगे तो आप मोटे हो जाएंगे, और आप एक लिमिट में घी लेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे। तो 3 चम्मच घी आपको दिन में शामिल करना ही है। तो आप हेल्दी डाइट में आप घी लीजिए। डिलीवरी के बाद हर एक कास्ट अलग अलग कास्ट में अलग अलग तरह के लड्डू बन, तो जो भी लड्डू आपके घर पे बनते हैं आप वो लड्डू लेने की कोशिश करिए, आप वो लड्डू खाइए और घर पे बना हुआ फ्रूट जूस लीजिए। खट्टे फल से थोड़ी दूर रहिए, इससे आपको भी प्रॉब्लम होगी और आपके बेबी को भी प्रॉब्लम होगी, आपका बेबी वॉमिट कर सकता है खट्टे फ्रूट्स खा करके। तो यहाँ पे जो ये पॉइंट था वो यही था कि हेल्दी डाइट लीजिए, पतला खाना लीजिए, घर का खाना लीजिए, घर का फ्रूट जूस लीजिए, लेकिन ये सब आपको लेना ही है। इसके बाद का जो पॉइंट है वो ये है कि आपको एप्पल आपको एटलीस्ट 2 मंथ तक डेली खाना है, एक सुबह एक शाम। अगर आप 2 मंथ तक एप्पल लेते हैं ना अपनी डाइट में, तो आप यकीन मानिए आप इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने वाले हैं। एप्पल अगर आपने 2 महीने खा लिया, 2 महीने अगर आपने दिन में 2 एप्पल खा लिया ना, तो यकीन मानिए आप बोलेंगे कि आपका वेट गेन हुआ ही नहीं है। इसमें क्या चमत्कार है वो मुझे नहीं पता, पर इस बार मैंने जो एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। मैंने जो है 1 मंथ तक बहुत एप्पल खाया है, सुबह शाम, तो मैंने बहुत ज़्यादा एप्पल खाया है और इसके साथ मैंने 1 ग्लास दूध लिया है एप्पल खाने पे। तो ये जो है ये हेल्दी डाइट है, आपको इसके बाद ज़्यादा भूख भी नहीं लगती है और इसके साथ में ये आपको एक हेल्दी मतलब आपकी बॉडी को हेल्दी भी करता है। तो आप 2 महीने तक एप्पल ज़रूर खाएं। इसके बाद का जो पॉइंट है वो लेना, देखिए डिलीवरी होने के बाद एसिडिटी होना नॉर्मल बात है, हमें बहुत ज़्यादा लैट्रिन लगती है, बहुत ज़्यादा बाथरूम लगती है, मतलब इतनी लगती है कि दिन में हमें 2-3 बार जाना ही पड़ता है। इतनी ज़्यादा हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इतना कमज़ोर हो जाता है, इतना वीक हो जाता है कि हमें दिन में 2 से 3 बार हमें बाथरूम जाना ही पड़ता है। तो ये कॉमन सी चीज़ है, ये हर एक के साथ होता है। अगर आपके साथ भी हो रहा है तो आप इसे ये मत समझिए कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये सबके साथ होता है, चाहे आपका सीजेरियन डिलीवरी हो या नॉर्मल डिलीवरी हो। एक बार आपका पेट जो है थोड़ा सा ख़राब होता है, आपको लैट्रिन दिन में 3 से 4 बार या 4 से 5 बार जाना ही पड़ता है। तो जब भी आपको लैट्रिन लगे अवॉइड नहीं करना है, आपको जाना ही है, फिर चाहे आपका लैट्रिन घर से बाहर हो, घर में हो, कहीं भी हो, शर्म नहीं करनी है आपको। जितने बार लैट्रिन लगे उतने बार आपको जाना है, अपना पेट साफ करना है। चूरन की रेसिपी मैंने शेयर की है, वो चूरन 1 मंथ से 2 मंथ तक आपको लेना ही लेना है, इससे भी आपका पेट साफ रहेगा। और इसके साथ अगर आपको गैस होता है, अगर आपको फाट आता है, अगर आपको हवा निकलने की प्रॉब्लम होती है, तो उसे आपको नहीं रोकना है। इससे आपके पेट में एसिडिटी बनेगी, गैस बनेगी, आपके पेट में फूलने वाली प्रॉब्लम होगी, मतलब आपका पेट फूलने लगेगा, वो जो है वो पेट आपका निकलेगा नहीं, मोटा नहीं होगा, वो फूलेगा, सूजन आएगी पेट में,
जो कि हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेकार होती है। तो आप कोशिश करिए जब भी आपको फाट आए, आपको हवा पास हो या आपको लैट्रिन लगे, तो आपको जाना ही है गाइस। इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है, ये नॉर्मल है। जब भी डिलीवरी होती है तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल होती है और ये आपको करना ही है। लैट्रिन को अवॉइड नहीं करना है आपको, अगर गैस पास हो रहा है अवॉइड नहीं करना है, पेट में एसिडिटी नहीं बनने देनी है। और इसके साथ में आपको ये सब चीज़ का ध्यान रखना है। चूर्ण आप कंटिन्यू लीजिए, गर्म पानी कंटिन्यू लीजिए, आपको इसकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए अगला पॉइंट ले लेते हैं। और जो अगला पॉइंट है, अगर आपकी डिलीवरी हुई है, आप न्यू मॉम बनी है, तो ये आपके लिए वेट लॉस करने के लिए, पेट कम करने के लिए बेस्ट इलाज है। इससे अच्छा तरीका आपको कुछ नहीं मिल पाएगा। आप अपनी बेबी को अपना फीडिंग करवाएं। जितना ज़्यादा आप अपनी बेबी को अपना फीडिंग करवाएंगे, आपका वेट लॉस उतना ज़्यादा होगा। इससे क्या होगा, दो चीज़ें होंगी। एक तो आप हेल्दी रहेंगे, आपका वेट गेन नहीं होगा, आपकी बेबी आपका दूध पिएगी या आपका दूध पिएगा तो वो भी हेल्दी रहेगा। आपको बाहर का उसे दूध देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप अपनी बेबी को जितना ज़्यादा फीडिंग करवाएंगे, उतना ही आपको मिल्क इंक्रीज़ होगा और आप अपनी बेबी को अपना ही दूध पिला सकती हैं, जिससे कि आपका बेबी बहुत लॉन्ग टाइम तक हेल्दी रहेगा। तो ये जो पॉइंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वेट गेन नहीं करना है, वेट लॉस करना है, पेट नहीं निकलने देना है, तो आप अपनी बेबी को अपना ही दूध पिलाने की कोशिश करिए। ये आपका वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा आपकी मदद करेगा। तो इसके बाद का जो पॉइंट है ये लास्ट पॉइंट है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको ये एटलीस्ट 1 मंथ तक करना ही है। आपकी डिलीवरी होने के बाद आप दूध पीती हैं, राइट? आप दिन में 1 ग्लास 2 ग्लास या आधा लीटर जितना भी आपको दूध पीना हो आप दूध पीजिए। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको नमक का, अपने खाने में नमक का, शक्कर का, मैदे का यूज़ नहीं करना है। आप जब भी दूध पिए तो आप इसमें शक्कर कभी ना डालें। आप इसमें थोड़ा सा गुड़ डालें, गुड़ का यूज़ करें, और आप शक्कर का यूज़ ना करें। और गुड़ के साथ आप थोड़ा सा हल्दी डालें। बहुत ज़्यादा हल्दी आपको यहाँ पे नहीं डालना है, बहुत कम चुटकी भर हल्दी आपको दूध में डालनी है और थोड़ा सा आपको गुड़ डालना है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि गुड़ भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। अगर आप मीठा पसंद करते हैं तो थोड़ा सा गुड़ डालिए, शक्कर अवॉइड करिए। एटलीस्ट आप 1 महीने तक शक्कर अवॉइड करिए, जो भी मैदा है अवॉइड करिए, नमक अवॉइड करिए। नमक आपको खाना है तो आप जो रॉ सॉल्ट आता है, सेंधा नमक जो उपास का नमक होता है या काला नमक होता है, इसे खाइए, सफ़ेद नमक मत खाइए। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान देते हैं ना, तो आपका वेट गेन नहीं होता है, आपका पेट नहीं निकलता है। बहुत ही छोटी छोटी सी चीज़ें हैं पर इसका ध्यान देने की ज़रूरत है। ये बहुत ही कॉमन बात है जो आप घर में रह करके कर सकते हैं, आपको बाहर कहीं निकलने की ज़रूरत नहीं है। ये ध्यान आपका कोई और भी ना दे तो भी चलेगा, आप खुद दे सकते हैं। मानते हैं ये सारी बात को। 10 टॉपिक थे, 10 से 11 पॉइंट थे जो कि बहुत ईजी थे। तो आप इसे अपनी लाइफ में फॉलो करिए अगर आप न्यू मॉम बनी है तो। देखिए आपका वेट गेन भी नहीं होगा और आपका पेट भी नहीं निकलेगा। तो गाइज आई होप आपको ये टिप्स, आपको ये वीडियोस पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब मैं मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।